मॉड्यूल सिक्सटी थ्री फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट्स। जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं टू प्रोड्यूस आउटपुट तो फार्मर को बियर करने पड़ती है कुछ कॉस्ट और ये जो टोटल कॉस्ट फार्मर को बियर करना पड़ती है दैट इज बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ इनपुट्स टू प्रोड्यूस आउटपुट जब हम कॉस्ट को डिस्कस करते हैं अंडर शॉर्ट रन अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ शॉर्ट रन तो वहां पर क्या होता है कि टोटल कॉस्ट कैन बी डिडेड इंटू टू

और हमने एज्यूम क्या किया था कि फार्मर इज प्रोड्यूसिंग वेट बाई वेरिंग ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्वान्टिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट जी इसमें जो फैक्टर्स कॉन्स्टेंट थे इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट उन सब की कॉस्ट कहां पे आ रही है वी आर रिपोर्टिंग दैट कॉस्ट अंडर फिक्स्ड कॉस्ट और फिर उसी पैटर्न पे द कॉस्ट दैट वेरीज बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन जो कि हमारे किस में क्या थी फर्टिलाइजर उसको हम किससे रिपोर्ट कर रहे हैं है. ऐसा कुछ नहीं है कि रियल सिचुएशन में भी कुछ इस तरह की एसोसिएशन है बिटवीन दी आउटपुट ऑफ वीट एंड कॉस्ट हांजी अब यहाँ पे भी क्या है वी आर रिपोर्टिंग डिफरेंट कंबिनेशन अगेंस्ट आउटपुट एंड कॉस्ट जब हम उन कम्बिनेशन की बात करते हैं कि अगेंस्ट कंबिनेशन ए फर्म इज प्रोड्यूसिंगटर और टोटल कॉस्ट उसको क्या बियर करना पड़ रही है इन वन फिफ्टी रुपीज में से हंड्रेड रुपीज किस के अगेंस्ट है फिफ्टी रुपीज क्यूँ है बिकॉज ऑफ दूजेज ऑफ फर्टिलाइजर टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ आउटपुट एट दिस पर्टिकुलर कम्बिनेशन हाँ जी जब हम कॉस्ट की यहां पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फिफ्टी है, के है? Input, जो के हमारे केस में फर्टिलाइजर थी हाँ जी अगर हम कहें फॉर्मर इज यूजिंग जीरो क्वान्टिटी ऑफ फर्टिलाइजर तो उस केस में ये वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी इट इज इक्वल टू जीरो और मेरी वहां पर

ये किसको रिपोर्ट कर रहा है इट रिपोर्ट फिक्स्ड कॉस्ट टू प्रोड्यूस वी दिस इज द कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट और यहां पे ये जो रेड कलर की आप लाइन है ये मेरे पास क्या इंडिकेट कर रहा है इट रिपोर्ट्स वेरिएबल कॉस्ट द कॉस्ट दैट वेरीज बिकॉज ऑफ चेंज इन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन और मेरे पास वो वो क्या था दैट इज फर्टराइजर फिर इसी पैटर्न में हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट कर रहे हैं एंड दिस टोटल कॉस्ट अगेंस्ट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट हाँ जी ये जो डिफरेंस है बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दैट डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट हाँ जी अगर मैं सारे को समराइज कर दूं under short run whenever a production is carried out by a farmer he has to bear two types of the cost one is fixed cost and other one is variable cost We relationship may assume output of wheat is a function of fer fertilizer against given quantity of land labor and all other factors of production तो उस केस में क्या हो गया कि फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी जो कि आप बियर कर रहे हो अगेंस्ट फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट वाइल वेरिएबल कॉस्ट वेरीज ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर